स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जिले को 215 करोड़ की सौगात, गोबर से बिजली बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को जिला मुख्यालय मुंगेली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने मुंगेली जिले के समन्वित विकास के लिए 215 करोड़ 81 लाख 44 हजार रुपए की विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की सौगात दी। विशाल किसान सम्मेलन की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी के धार से हुआ। मुख्यमंत्री बघेल ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गोबर से बिजली बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत रायपुर और बेमेतरा जिले से हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई गोठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य की स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों के साथ साथ अब गोबर से बिजली का उत्पादन और बिक्री भी करेंगे। इससे गौठान बिजली के मामले में भी स्वावलंबी होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने जिले के विकास खंड मुंगेली के उप तहसील जरहागांव को पूर्ण तहसील का दर्जा देने, जिला मुख्यालय मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज प्रारंभ करने, विकास खंड लोरमी के ग्राम डिंडोरी में को ऑपरेटिव बैंक प्रारंभ करने, विकास खंड पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने और पथरिया में संचालित कॉलेज का बाउंड्री वॉल करने की घोषणा की, जिसका लोगों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।